मौलाना साहब को तो मैंने हराया है। मौलाना साहब अगर समझते हैं कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है, मैंडेट तो हमारा चोरी हुआ है। मैं आप भी अपने आप को हाजिर करता हूँ और हल्का खोलने को तैयार हूँ कि सर के मौलाना साहब को मैंने हराया है। मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, मौलाना साहब से धोखा हुआ है। तो अब मौलाना साहब मैंडेट चोरी होने में और धोखे में फर्क है। अच्छी बात है कि मौलाना साहब सच बोल रहे हैं आज। हमेशा से मौलाना साहब भारत हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, उनके दिल में और ही बहुत से राज हैं। मैं कहूँगा कि मौलाना साहब जब आ ही गए हो तो खुल के आओ। आप तो कह रहे थे बरमला कि जी इमरान खान की हुकूमत मैंने गिराई है, फिर आप कुछ अर्सा पहले कहने लगे मैंने नहीं गिराई, तो बाजवा साहब ने गिराई है। सच की तरफ आप आ रहे हैं तो इंशाल्लाह हम आपको वेलकम करते हैं। वज़ीर आला ख़ैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और दीगर पीटीआई रहनुमाओं के बयान पर तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम JUIFA का रद्दअमल सामने आ गया। तर्जुमान JUIFA असलम गौरी ने कहा कि असम्बली फ्लोर पर JUIFA के उसूली और जमहूरी मौकफ से PTI के दूसरे दर्जे के रहनुमा गलत फहमी का शिकार हो गए हैं। JUIFA ने सियासत में हमेशा जमहूरी और उसूली मौकफ अपनाया है। तर्जुमान JUIFA का कहना था कि PTI क़यादत अपने अंदरूनी मामलात में हमें ना घसीटें, PTI के साथ चलने से कबल हमारे तहफ़ुज़ात को दूर करना ज़रूरी होगा। असलम गौरी ने मज़ीद कहा कि हम अपनी तहरीक शुरू कर चुके हैं, इंतज़ार करने के आदि नहीं हैं। इससे कबल वज़ीर आला ख़ैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान को आड़े हाथों ले लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि मौलाना फजलुर रहमान सच बोल रहे हैं, उनके दिल में और भी राज हैं, खुलकर आए मजीद भी बातें क्लियर करते हैं। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि मौलाना ने कहा था कि इमरान खान की हुकूमत मैंने गिराई। मौलाना अगर हक और सच के रास्ते पर आए हैं तो हम वेलकम करते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मजीद कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का मैंडेट तो चोरी नहीं हुआ, मैंडेट तो हमारा चोरी हुआ, फिर भी मैं हर हल्के खोलने को तैयार हैं। मौलाना तो डील करते हैं उनसे सवाल करें जिसने मैंडेट चोरी किया।